Hello students, happy monsoon. How are you all? Fine, okay. Before we start chapter, पहले आप लोग प्रेयर करोगे और प्रेयर कौन सी करोगे? मकरतुंड, ओके? आपको मकरतुंड महाकाय श्लोक बोलना है, ओके? तो पहले श्लोक बोल लीजिए, चले. ओके, आई होप आपने श्लोक बोल लिया होगा. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4. और हमारा चैप्टर नंबर 4 है मोर ऑन एमएस वर्ड. इस चैप्टर में क्या है मोर ऑन एमएस वर्ड में, चलो देखते हैं. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, पेज मार्जिन, वॉटर मार्क, देन इंसर्टिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, मेल मर्ज, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, पेज ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर एंड इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट. ओके, इतने टॉपिक्स हम इस चैप्टर में आज लर्न करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट एमएस वर्ड. एज यू नो फॉर्मेटिंग रिफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट. इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अंडरस्टेबल एंड अट्रैक्टिव. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस. ओके, हम फाइंड एंड रिप्लेस करने वाले. ओके, फाइंड मतलब क्या होता है, रिप्लेस मतलब क्या होता है, पता है आपको? फाइंड मतलब कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी अगर चाहिए आपको सर्च करना हो, दैट इज फाइंड. एंड रिप्लेस मतलब एक स्पेलिंग के बदले, एक नाम के बदले आपको उसकी जगह पे दूसरा पेस्ट कर देना है, ओवर राइट कर देना है, दैट इज रिप्लेस. ओके, ये सारा थियरी है, लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले है फाइंड एंड रिप्लेस. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज अपियर्स इन अ डॉक्यूमेंट और नॉट, यू डू नॉट नीड टू रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट. वर्ड 2010 प्रोवाइड्स द फाइंड फीचर्स टू लोकेट अ वर्ड और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट. ओके, चलो ये सारा यहाँ पे है. चलो सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ ताकि कहीं पे कुछ टाइपिंग होगा तभी हम ढूंढ पाएंगे ना. स्टडी नोट्स. सपोज चलो ये 6 की स्टडी नोट में ओपन कर रही हूँ. ओके, चलो सपोज मुझे इसमें से पूरी फाइल में से कुछ फाइंड करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि इसमें R कितनी जगह पे लिखा है. तो पहले तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F. क्या होता है शॉर्टकट? कंट्रोल F. फाइंड का शॉर्टकट है कंट्रोल F. ओके, और आपको यहाँ से होम टैब में यहाँ पे मिलेगा फाइंड. ओके, होम टैब में फाइंड ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, या तो आप कंट्रोल F भी कर सकते हो, शॉर्टकट है फाइंड का कंट्रोल F. अब मुझे फाइंड करना है कि पूरे फाइल में मैंने R कहाँ पे लिखा है, A R E R. ओके, चलो ढूंढते. मैंने यहाँ पे फाइंड वोट में क्या लिख दिया, आर. नाउ फाइंड, देखो यहाँ पे है आर, सॉफ्टवेयर में भी आर होता है. ओके, देन यहाँ पे है सॉफ्टवेयर में, अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो मिल रहा है, यहाँ पे है आर हार्डवेयर में, यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो ये हो गया फाइंड. ओके, अभी देखो ये फाइंड कहीं पे भी हो रहा है ना, आर तो भी फाइंड कर रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, कहीं पे भी पीछे ए आर ही लिखा है तो सब जगह फाइंड कर रहा है. अगर ऐसा नहीं करना है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको है ना दे दोगे, एक रूल बना दोगे उसका, कि क्या करोगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली. क्या देख, टिक कर देंगे हम फाइंड होल वर्ड्स. उससे क्या होगा कि सिर्फ कहीं पे आर लिखा हो ना तो ही सर्च करना है. ओके, सब जगह से सर्च नहीं करना है, सिर्फ कहीं पे आर लिखा हो तो ही. देखो अभी अकेले लिखा होगा ना वही सर्च करेगा, अभी देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में था वो सर्च नहीं किया, अकेले था ना वही सर्च किया. ओके, तो आ गया समझ में आप क्या करोगे. ओके, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे मैच केस. मैच केस मतलब आप कैपिटल में सर्च करोगे तो सिर्फ कैपिटल में मिलेगा, स्मॉल में सर्च करोगे तो स्मॉल में लिखा हुआ मिलेगा. जैसा आपने यहाँ पे लिखा है अगर ऐसा फाइल में होगा तो ये मिलेगा. देखो एरर आ गई, क्यों? क्योंकि ऐसा वाला आर कहीं पे लिखा ही नहीं है, कैपिटल वाला आर, स्मॉल वाला आर ही सब जगह पे लिखा हुआ है. देखो हो रहा है. तो आपको आज ये दो ऑप्शन याद रखने हैं,
match case and find whole word only. Okay. Now our next option is R. Sorry, replace में इसमें नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी काम की फाइल है. अगर इसमें चेंजेस हो गया तो ओके. चलो मैं क्या करती हूँ, इसकी कॉपी ले लेती हूँ. कंट्रोल सी. मैं एक और वर्ड ओपन कर लेती हूँ. ओके, यहाँ पे देखो मैंने ये टाइप करके रखा है. इसको जूम कर देती हूँ. चलो अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है. तो कौन से वर्ड को रिप्लेस करना है, मैं इसकी बहुत सारी कॉपी कर देती हूँ. ओके, इतनी सारी कॉपी मैंने कर ली इसकी. अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है कि जहां कहीं पे भी सॉफ्टवेयर लिखा है ना उसकी जगह पे कुछ और वर्ड आ जाना चाहिए. जहां पे सॉफ्टवेयर लिखा है वहां पे मुझे शिल्पा लिख देना है सपोज. ओके, तो क्या करेंगे, फाइंड के नीचे यहाँ पे रिप्लेस है, होम टैब में फाइंड के नीचे यहाँ पे रिप्लेस है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा फाइंड वर्ड. तो क्या फाइंड करना है, तो सपोज यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही फाइंड करना है. ओके, सॉफ्टवेयर फाइंड करना है और उसके बदले मुझे क्या कर देना है, उसके बदले मुझे यहाँ पे शिल्पा कर देना है. जहां पे भी सॉफ्टवेयर लिखा है वहां पे क्या कर देना है, शिल्पा. ओके, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, फाइंड किया, स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग में खड़े रहेंगे फर्स्ट लाइन पे. ओके, चलो फिर से करेंगे होम में रिप्लेस. क्या करना है, सॉफ्टवेयर फाइंड वर्ड में शिल्पा, और क्या फाइंड करना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है वो लिखेंगे. ओके, आप यहाँ पे देखते जाना, स्क्रीन पे चेंजेस होंगे. देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, फाइंड नेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर. अब उसको बोल दो रिप्लेस, हो गया सॉफ्टवेयर का शिल्पा. वापस से यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, देखो आप यहाँ पे. ओके, वहां पे उसको वापस से रिप्लेस. ओके, वापस यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, रिप्लेस. अब सब जगह पे सॉफ्टवेयर में कर देना हो तो रिप्लेस ऑल. देखो जहां कहीं पे भी था सब जगह पे मैंने क्या कर दिया, देखो सॉफ्टवेयर की जगह पे शिल्पा, सॉफ्टवेयर की जगह पे शिल्पा. जहां पे भी सॉफ्टवेयर था सब जगह पे क्या कर दिया, शिल्पा कर दिया. अब वापस से शिल्पा के बदले सॉफ्टवेयर कर देना हो तो क्या करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे. अब यहाँ पे फाइंड वर्ड में क्या फाइंड करेंगे, सॉफ्टवेयर के बदले शिल्पा, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर तो कहीं पे है ही नहीं, शिल्पा. और यहाँ पे रिप्लेस में क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर के, हमें तो सॉफ्टवेयर ही रखना है. ओके, रिप्लेस ऑल. सॉरी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. रिप्लेस ऑल. देखो हो गया वापस यहाँ पे, जहां कहीं पे भी शिल्पा था सब जगह पे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. ओके, ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस. अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग. नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइन स्पेसिंग. ये हमने कर लिया फाइंड एंड रिप्लेस. नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लाइंस इन अ पैराग्राफ टू चेंज द स्पेसिंग फॉलो द स्टेप्स. ओके, मैं आपको स्पेस दिखा दूंगी. स्टेप्स क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग सॉरी इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ बोथ बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ टू डिफाइन पैराग्राफ स्पेसिंग डू दिस स्टेप्स. ओके, अब हमें पैराग्राफ है तो जैसे कि ये हमारी फाइल है. ओके, इसमें तो पैराग्राफ कहीं पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ बना लेते. ओके, मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेती हूँ वैसे ही. मैं किस एक ही वर्ड की कॉपी कर लेती हूँ ताकि थोड़ा पैराग्राफ बनाने के लिए. कितने पैराग्राफ हो गए, 3 पैराग्राफ्स हो गए. ओके, दिख रहा है आपको, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ एंड 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हो गए. ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन में स्पेस बीच में ज्यादा नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन, ये जो लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ पे एक ऑप्शन है, इट इज लाइन स्पेसिंग ऑप्शन. ओके, इसमें अभी 1 की स्पेस कर दी मैंने, देखो स्पेस कम हो गई. अभी इसमें मैंने 1.5 कर दी, तो ये नॉर्मल 1.5 थी. अब ये 2 की स्पेस, देखो दोनों लाइन के बीच में कितनी स्पेस आ गई. ओके, वापस से करती हूँ, इसमें 2 की दे दी, इसमें मैंने 1 की रख दी. ओके, इसमें 3 की दे दी, सिलेक्ट करके 3. देखो तीनों में कितना डिफरेंस है लाइन स्पेसिंग में, दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ी कम है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा है. ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन. ओके, वापस से सब में सेम कर देनी है तो सिलेक्ट करके
1.5 कर दो सब में, तो सब में सेम हो जाएगी। ओके, ये हो गया लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। नेक्स्ट है पैराग्राफ लाइन। अभी देखो ये एक पैराग्राफ मैंने एंटर दिया यहाँ पे, इतनी इतनी लाइन स्कीप है दोनों पैराग्राफ के बीच में। ओके तो वो आप यहाँ से कर सकते हो चेंज, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब पहले स्पेस आ जाएगी, और यहाँ पे एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब बाद में आ जाएगी, अभी है ही आफ्टर पैराग्राफ। तो ओके, ये मेनू में जाके भी आप कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके देखो यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन स्पेसिंग, यहाँ से आप जितनी लाइन लोगे ना पैराग्राफ में उतनी लाइन यहाँ से हो जाएगी। देखो अभी है, देखो ये हो रहा है, अब देखो यहाँ पे नीचे पैराग्राफ जा रहा है, जितनी करोगे ना आप उतनी स्पेस हो जाएगी। देखो दो पैराग्राफ के बीच, यहाँ पे आप बीच में खड़े ही नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ गई है। वापस से निकाल देनी हो तो वापस से चाहेंगे रिमूव स्पेस कर देंगे। ओके, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ, ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज मार्जिन, ये हो गया। अब है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या करता है? पेज मार्जिन इज द वाइड स्पेस ऑल अराउंड द प्रिंटेड एरिया ऑफ द पेपर, दिस स्पेस इज लेफ्ट सो दैट व्हेन द पेपर आर अरेंज एज अ बुक द प्रिंटेड टेक्स्ट डज नॉट गेट हिडन इनसाइड द बाइंडिंग। सी, आप नोटबुक देखोगे, टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस साइड में थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है, ताकि जब भी ये वाला पोर्शन इतना बाइंड करे तो इतना प्रिंट में आ जाए और बाकी का यहाँ पे दिखे, इसीलिए। ओके, अगर यहाँ पे हम स्पेस नहीं करेंगे और ये बुक बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, ये सारा का सारा प्रिंट दब जाएगा उसके पीछे। ओके, हाइड हो जाएगा, तो वैसे ना हो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज मार्जिन देते हैं। तो पेज मार्जिन कब दिखेगा आपको, पहले तो इसमें आपको रूलर करना पड़ेगा चालू, अगर नहीं है तो व्यू में जाओ और उसमें से रूलर ऑन कर दो। ये रूलर आ गया, देखो अभी यहाँ पे इतनी लाइन स्पेस है, यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे इतनी पेज खाली है। ओके, इतना ये जो ब्लू पार्ट है वो, चलो इसको निकाल देते हैं। तो कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट में, पेज मार्जिन्स। ओके, मार्जिन्स में हम कस्टम में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये चार साइड है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। और गटर मार्जिन से क्या होता है पता है, गटर मार्जिन मतलब बुक बाइंड करने वाली जो जगह होती है ना, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। ओके, वो याद रखना है आपको। तो कोई बुक ऐसी होती है कि जो लेफ्ट साइड से, आप टेक्स्ट बुक ही देख लो तो वो कौन सी लेफ्ट साइड पे बाइंड की हुई है ना, जहाँ पे पेज सारे जमा किए होते हैं और उसमें स्टेपलर लगाया होता है, वो लेफ्ट साइड होता है। कोई बुक ऐसे ऊपर से ओपन होती है तो उसमें टॉप होता है, डायरी और कुछ ऐसा होता है वो ऐसे ऊपर ऊपर से ऊपर की साइड से ओपन होती है तो ऊपर बाइंडिंग होता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये सारे मार्जिन, अभी सब में कितने हैं, 2.54 है, आप चाहो तो इसमें 1 का कर सकते हो, सब में 0.5 कर सकते हो। देखना अभी स्पेस कितनी कम हो जाएगी, यहाँ पे आप स्पेस जो देख रहे हो ना वो सारी कम हो जाएगी, मैंने सब में 0.5 कर दिया। ओके, देखो कितनी कम हो गई ना सब में स्पेस, दैट इज पेज मार्जिन। ओके, वापस से मैं दिखाती हूँ आपको, आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। सपोज अब मैं 3-3 की रख दी, देखो अभी कितनी हो गई, इस साइड से भी 3, इस साइड से भी 3, सब साइड से मैंने 3-3 का रख दिया, ऊपर से भी 3। आप यहाँ पे टाइप ही नहीं कर पाओगे अभी, क्यों? क्योंकि वो पेज मार्जिन सेट है इसलिए। ओके, ये हो गया पेज मार्जिन। अब आता है पेज मार्जिन में हमारा आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन मतलब आपको पेज प्रिंट कैसे करना है, सीधा प्रिंट करना है स्लीपिंग लाइन में या स्टैंडिंग लाइन में, जैसे कि पोर्ट्रेट एंड दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। देखो अभी जो आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है या आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो वो पोर्ट्रेट है। ओके, एक होता है लैंडस्केप, देखो ये लैंडस्केप हो गया। अभी लैंडस्केप मतलब A4 के पेपर को आप ऐसे स्लिप करवा दोगे तो दैट इज हॉरिजॉन्टल हो गया ये। ओके, ये पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। ओके, ऐसे प्रिंट आएगी, ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है वॉटरमार्क। ओके, जब भी हम बुक्स या कुछ भी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बुक में अंदर है ना किसी कंपनी का नाम या कुछ भी आता है, तो जेरोक्स करवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सब कुछ उसमें आता ही है, कंपनी का लोगो या कुछ भी होता है, तो ऐसा ही आप अपने फाइल में भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो सपोज मैंने ये वर्कशीट मैंने बनाई है तो मुझे इसमें पीछे मेरा नाम लिख देना है शिल्पा, ताकि कोई उसकी जेरोक्स करे कुछ भी करे तो पता चले कि ये तो शिल्पा की फाइल थी। ओके, तो क्या करेंगे हम,
इंसर्ट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और वहां से वॉटरमार्क कहां पे जाएंगे, पेज लेआउट में, और उसमें से वॉटरमार्क। ओके, वॉटरमार्क में ये ऑप्शन है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे भी रखना हो वैसा वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं ये वाला पहले, अभी देखो ये पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, डू नॉट कॉपी लिखा है। ओके, उसके जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो कस्टम वॉटरमार्क में जाएंगे और वहां पे आप अपना नाम लिख दोगे, यहाँ पे डू नॉट कॉपी की जगह पे क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। मैंने मेरा नाम लिख दिया, देखो अभी अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, पीछे लाइट लाइट दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, इसको प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट में भी आएगा। व्यू में फुल प्रिंट पे भी देखो आप, एक मिनट, हाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे पीछे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये बीच बीच में, ये प्रिंट करेंगे ना तो भी ये आएगा साथ में, पीछे बैकग्राउंड में शिल्पा लिखा हुआ, दैट इज वॉटरमार्क। नहीं चाहिए तो वॉटरमार्क आप निकाल भी सकते हो, सपोज नहीं चाहिए तो वापस से पेज लेआउट में जाके वॉटरमार्क में से रिमूव वॉटरमार्क कर दो। अब आपको सपोज वॉटरमार्क में कोई पिक्चर रखना है पीछे, कंपनी का लोगो या कुछ भी, तो कस्टम वॉटरमार्क में जाएंगे, वहां पे पिक्चर ले लेंगे और सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर, हाँ सपोज मुझे पिक्चर चाहिए ये वाला, तो मैं ये पिक्चर ले लूंगी। ओके, और इंसर्ट करवा दूंगी। ओके, देखो पीछे बैकग्राउंड में मेरा पिक्चर दिख रहा है, लाइट लाइट दिख रहा है ना, तो सारा टाइपिंग इसके ऊपर होगा। तो ये हो गया हमारा वॉटरमार्क, नहीं चाहिए वॉटरमार्क तो हम रिमूव वॉटरमार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर मतलब हमारे पेज नंबर और वो सब आपको पता होगा कि पेज नंबर और सब बुक में और उसमें सब में आता है, नाम लिखा आता है। यहाँ पे हमने कितनी चीजें की, अभी हमने यहाँ पे वॉटरमार्क भी किया है, मैं फिर से वॉटरमार्क कर देती हूँ, इंसर्ट सॉरी पेज लेआउट में वॉटरमार्क, पिक्चर में जाके सिलेक्ट पिक्चर, जहाँ पे भी आपका पिक्चर पड़ा हो वो सिलेक्ट कर लो। ओके, अब मुझे क्या देना है, देखो इसमें पेज नंबर नहीं है, कहीं पे कुछ भी है नहीं। ओके, तो पेज नंबर अगर आपको देना हो तो आप हेडर फुटर में से दे सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी, डेट एंड टाइम देना हो कुछ भी, इंसर्ट मेनू में जाके उसमें से हेडर, हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे। ओके, हेडर में जाते हैं पहले, हेडर में जाके आपको कुछ भी टाइटल देना हो बुक का या किसी का भी, ऑथर का नाम लिखना हो, जो भी लिखना हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, जो भी आपको पसंद हो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया। ओके, तो डॉक्यूमेंट टाइप टाइटल, ओके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैप्टर 4, चैप्टर 4 का नाम क्या है वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, चैप्टर 4 मोर एन एमएस वर्ड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, यहाँ पे ईयर आ गया 2020, ये जरूरी नहीं है आपको यही रखना है, आप जो चाहो रख सकते हो। ओके, देखो आ गया, ये जो होता है वो ऊपर होता है, उसके अंदर हम टाइप नहीं कर सकते, वो पूरा अलग ही होता है पेज से, इंसर्ट में हेडर एंड फुटर उसमें कभी टाइप नहीं होता है, उसको हम एडिट कर सकते हैं फिर से। कहाँ पे जाएंगे वापस से एडिट करने के लिए, इसमें चेंजेस करना हो तो इंसर्ट मेनू में हेडर में जाके एडिट हेडर। ओके, आपको ऐसा डिजाइनर नहीं रखना हो, कुछ और रखना हो तो इसको रिमूव कर देंगे, हेडर में जाके सिंपल वाला रख देंगे, कोई भी इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये सिंपल वाला चैप्टर 4 मोर ने मैंने टाइप किया था इसलिए वो ऑटोमेटिक आ गया। ओके, ये सारे पेज में आएगा, हेडर एंड फुटर जो हम रखते हैं वो सारे पेज में आता है। देखो यहाँ पे भी आ गया अपने आप, चैप्टर पेज 1 में भी आ गया और पेज 2 में भी आ गया। ओके, अभी इसमें दो पेज है बट अभी पेज नंबर नहीं आ रहे, तो फुटर में से जाके आप सब कुछ उसमें रख सकते हो। फुटर में जाके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आप देखते जाना ऑप्शंस,
ये पेज नंबर वाला ऑप्शन है, पेज नंबर इस साइड रखना है, इस साइड रखना है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ऐसे वाले पेज नंबर रखने हो। देखो ये पेज नंबर आ गया, पेज वन पेज टू दिख रहा है। ओके ये हो गया हमारा हेडर एंड फुटर। देखो यहाँ पे पेज वन है, हेडर हमने दिया है वो भी है, पेज नंबर दिया है वो भी आ गया ऑटोमेटिक वो फुटर में। ओके अब फुटर में डेट एंड टाइम भी यूज कर सकते हो, अगर आपको रखना हो डेट एंड टाइम और वो भी, तो भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ से करेंगे? आप इसमें से भी कर सकते हो, पेज मार्जिन में से भी। सी पहले हम क्या करते हैं, इसमें फुटर में चेंजेस करते हैं। चलो ये फुटर है, एडिट फुटर। ओके अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, देख रहे हो आप, डेट एंड टाइम, क्विक, पिक्चर, क्लिप आर्ट, जो भी आपको रखना हो यहाँ पे रख सकते हो। सपोज हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम भी रखना है, तो मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पे अभी का टाइम डाल देती हूँ, डेट एंड टाइम में से ऐसा वाला, मुझे ऐसा वाला चाहिए था, ये रख दिया। ओके तो अब सारे पिक्चर्स में ये आज का डेट एंड टाइम आ जाएगा, आ गया। ओके तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर। ओके बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे।